सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। इस वीडियो में हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं वह वास्तविक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम किसी भी दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि एक पूर्णांक ए बटा दूसरा पूर्णांक बी। तो इसे अगर हमने दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख दिया तो ये हुई एक परिमेय संख्या। तो सीधी सी बात है कि सारी की सारी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो तो परिमेय होंगी ही। तो चलिए एक उदाहरण लेता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहला नंबर हमारी गिनती का एक। एक जो है इसे हम एक बटा एक दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हुई एक परिमेय संख्या। इसे हम और भी तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे कि ऋणात्मक दो बटा ऋणात्मक दो, ये भी दो पूर्णांकों का अनुपात है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 10,000 बटा 10,000, तो भी ये दो पूर्णांकों का अनुपात है और बराबर है एक के, तो एक हुई एक परिमेय संख्या। चलिए एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या लेता हूं मैं, जैसे कि ऋणात्मक 7। अब ऋणात्मक 7 को हम ऋणात्मक 7 बटा 1 लिख सकते हैं, जो कि दो पूर्णांकों का अनुपात है, तो ये हुई एक परिमेय संख्या। ये बराबर है 7 बटा ऋणात्मक 1 के भी, या फिर इसे हम ऋणात्मक 14 बटा 2 भी लिख सकते हैं। तो तरह तरह से हम इसे दर्शा सकते हैं दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में। हर तरह से ये साबित होगा कि ये है एक परिमेय संख्या। तो चलो इतना तो साबित हो गया कि सारी की सारी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो परिमेय हैं। लेकिन ऐसी संख्याओं का क्या जो पूर्णांक नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल सही, दशमलव संख्याएं। तो चलिए मैं एक दशमलव संख्या लेता हूं यहाँ पे, 3.75। अब 3.75 को हम लिख सकते हैं, ये बराबर है 375/100 के, तो ये तो दो पूर्णांकों का अनुपात हो गया, तो ये दशमलव संख्या भी हुई एक परिमेय संख्या। इसे हम दो से गुणा कर देते हैं अंश और हर को, तो यहां हो जाएगा ये 750/200, जो दो पूर्णांकों का अनुपात है, तो ये दशमलव संख्या भी हुई एक परिमेय संख्या। अब मैं आपको एक अलग तरीके की दशमलव संख्या देना चाहता हूं। देखिए जरा, 0.333 और ये अपने आप को दोहराती रहे। अब ऐसी दशमलव संख्याओं को हम कहते हैं आवर्ती दशमलव, जो अपने आप को दोहराते रहते हैं, ये कभी नहीं रुकते, ये चलते ही जाते हैं। इसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिखते हैं, 0.3 अपूर्णांक, जहां पे ये चिन्ह ये दर्शा रहा है कि तीन रुकता नहीं है, चलते ही जाता है, अपने आप को दोहराते रहता है। तो ऐसे आवर्ती दशमलवों का क्या, ये क्या होते हैं, ये परिमेय संख्याएं होते हैं या नहीं? तो अगर तुम थोड़ा सोचो तो 0.33333 तो दरअसल एक तिहाई होता है, 1/3, क्योंकि जब 1/3 किया जाएगा तो हमें मिलेगा 0.333। तो ये तो दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात है, तो ये आवर्ती दशमलव भी होते हैं परिमेय संख्याएं। एक और उदाहरण देता हूं मैं, 0.666 और ये चलते जाएंगे। इसे हम 0.6 अपूर्णांक भी लिख सकते हैं, और 0.66666 तो दरअसल दो तिहाई होता है, जो दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात है, तो आवर्ती दशमलव भी होते हैं परिमेय संख्याएं। अब तुम कहोगे इतनी सारी परिमेय संख्याएं हो गई, यानी सारी की सारी संख्याएं क्या सिर्फ परिमेय ही होती हैं? जी नहीं, हमारे पास अपरिमेय संख्याएं भी हैं, यानी कि कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जिन्हें हम a/b दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि गणित की सबसे प्रसिद्ध संख्याएं अपरिमेय होती हैं, तो चलिए देखते हैं। ये रही कुछ प्रसिद्ध अपरिमेय संख्याएं। जी हां, यहां पे हमारे पास है पाई,
एक वृत्त के परिधि और उसके व्यास का अनुपात, जो हम जानते हैं ये 3.14159, ये चलते ही जाता है, ये कभी नहीं रुकता और ना ही अपने आप को दोहराता है। ऐसे दशमलवों को हम कहते हैं अनावर्ती दशमलव, ये ना तो कभी रुकते हैं ना तो कभी अपने आप को दोहराते हैं, और इन्हें हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में कभी भी व्यक्त नहीं कर सकते। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। और भी हैं, ई प्राकृतिक लघु घनक का आधार, 2.71828, ये चलते ही जाता है, ना तो कभी रुकता है ना तो कभी अपने आप को दोहराता है। 2 का वर्गमूल, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। फी स्वर्ण अनुपात, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये तो कुछ प्रसिद्ध खास संख्याएं हैं जो कि अपरिमेय होती हैं, जबकि ज्यादातर संख्याएं तो परिमेय होती हैं। मैं कहूंगा नहीं, हमारे पास सच बताऊं तो अनगिनत परिमेय और अनगिनत अपरिमेय संख्याएं हैं। मैं देखो इसे कैसे साबित करता हूं। तुम मुझे कोई भी दो संख्याएं दे दो, समझो तुम मुझे दे रहे हो 2 और 3, ये 2 संख्याएं हो गई, इनके बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं। देखो मैं खुद से अभी एक बनाता हूं, 2 और 3 के बीच में हमें एक संख्या चाहिए, तो मैं लेता हूं 2.13133333333, ये चलते ही रहेगा। तुम देख रहे हो कि ये कभी नहीं रुकेगा और अपने आप को कभी नहीं दोहराएगा, तो इसे हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो ये हुई एक अपरिमेय संख्या, ऐसी अनगिनत अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अब हमें पता चल गया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। हमें यहाँ कुछ संख्याएं दे दी गई हैं और हमें इन अलग अलग संख्याओं को अलग अलग संख्या समुच्चय में रखना है। तो ये जो सारी सारी संख्याएं हमें दी गई हैं, ये वास्तविक संख्याएं तो हैं ही, तो ये सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं तो हैं ही, जिसमें आवर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, धनात्मक ऋणात्मक, सारी की सारी संख्याएं आती हैं। अब वास्तविक संख्याओं को हम दो अलग अलग संख्या समुच्चय में बांट सकते हैं। एक संख्या समुच्चय होगा परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्याओं में वो संख्याएं आएंगी जिन्हें हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, और दूसरा समुच्चय होगा अपरिमेय संख्याओं का। अपरिमेय संख्याएं, इसमें वह संख्याएं आएंगी जिन्हें हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते। अब सारी की सारी परिमेय संख्याओं में से अगर हम दशमलव निकाल दें तो हमें मिलेंगे पूर्णांक संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत एक और संख्या समुच्चय आता है जो होता है पूर्णांक संख्याओं का। अब अगर पूर्णांक संख्याओं में से हम ऋणात्मक संख्याएं निकाल दें तो हमें मिलेंगी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत एक और समुच्चय आता है जो होता है पूर्ण संख्याओं का। तो चलो अब मैं इसी प्रकार से संख्या समुच्चय बना लेता हूं। तो यहां मैंने बना ली है संख्या समुच्चय परिमेय, पूर्णांक पूर्ण, और यहां पे है अपरिमेय। अब आप इस वीडियो को यहीं पर रोको और इन सारी संख्याओं को इन अलग अलग संख्या समुच्चय में रखने की कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलिए अब हम इन्हें साथ में करते हैं। तो पहली संख्या है 3। 3 जो है, 3 को हम 3/1 दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो हुई एक परिमेय संख्या, लेकिन ये सिर्फ 3 भी लिखा जा सकता है, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और धनात्मक पूर्णांक संख्या का मतलब हुआ कि 3 जो है वो दरअसल एक पूर्ण संख्या है। तो 3 हो गई एक पूर्ण संख्या। अगली संख्या है हमारी ऋणात्मक 5, जिसे हम ऋणात्मक 5/1 या केवल ऋणात्मक 5 भी लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या तो है ही, पर उसके साथ ही साथ ये पूर्णांक संख्या भी है, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। तो ये आ जाएगी पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में। तो ऋणात्मक 5 हो गई एक पूर्णांक संख्या। अगली संख्या है 0.25। 0.25 को हम लिख सकते हैं 25/100, जो कि दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात है।
तो ये तो हुई एक परिमेय संख्या, तो 0.25 आ जाएगा परिमेय संख्याओं के अंदर। अगली संख्या है 22/7। 22/7 दो पूर्णांकों का अनुपात तो है, पर ये आगे और विभाजित हम इसे नहीं कर सकते, तो ये सीधे सीधे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है। ये एक बढ़िया सी संख्या हमें दी गई है, 0.2713 अपूर्णांक, जहाँ पे ये 1-3 अपने आप को दोहराते रहेगा, तो ये है दरअसल 0.27131 और ये दोहराते रहेगा अपने आप को, ये कभी नहीं रुकेगा। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं आवर्ती दशमलव। और मैं आपको बता दूं कि आवर्ती दशमलव परिमेय संख्याएं होते हैं, ये वाला तो मैं अभी सिद्ध नहीं करूंगा, पर एक दूसरा उदाहरण देता हूं। समझिए कि 0.3 अपूर्णांक, जो कि बराबर है 0.333 और ये चलते रहेगा। और ये तो तुम जानते ही हो कि 0.3333 तो दरअसल 1/3 होता है, जो कि दो पूर्णांकों का अनुपात है। तो आवर्ती दशमलव होते हैं परिमेय संख्याएं, तो इसे हम लिख देते हैं यहाँ परिमेय संख्याओं के अंतर्गत, तो 0.2713 अपूर्णांक हो गया परिमेय संख्या। अगली संख्या है 10 का वर्गमूल। अब 10 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, और किसी भी अपूर्ण वर्ग का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो वो हमें मिलती है अपरिमेय संख्या। तो सीधे सीधे मैं इस 10 के वर्गमूल को लिख देता हूँ अपरिमेय संख्या के समुच्चय के अंतर्गत। अगली संख्या हमें दी गई है 14/7। 14/7 तो 2/1 है, या इसे हम केवल 2 भी लिख सकते हैं। 2 तो दरअसल एक पूर्ण संख्या है, तो चलिए इसे हम यहाँ पूर्ण संख्या की श्रेणी में लिख दें, तो यह 14/7 जो है एक पूर्ण संख्या। अरे वाह, हमें पाई भी दिया है। पाई तो आप जानते हैं दुनिया की प्रसिद्ध अपरिमेय संख्या है, इसे अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो भी ये अपरिमेय ही रहेगी, तो 2π जो है वो है एक अपरिमेय संख्या, तो इसे हमने अपरिमेय संख्या के समक्ष में रख दिया। अगली संख्या है ऋणात्मक वर्गमूल 25 का। अब 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, लेकिन बाहर यहाँ पे हमारे पास है ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक 5 होगा, और ऋणात्मक 5 तो हम पहले ही देख चुके हैं, ये दरअसल पूर्णांक संख्या है, तो ऋणात्मक वर्गमूल 25 का हमने लिख दिया पूर्णांक संख्याओं में। तो अब हम पहुंच गए हमारी आखिरी संख्या पे, जो है 9 का वर्गमूल/7। 9 का वर्गमूल होता है 3/7, तो ये तो दो पूर्णांकों का अनुपात है, जो कि हुआ एक परिमेय संख्या, तो इसे हम लिख देते हैं यहाँ परिमेय संख्याओं में, तो 9 का वर्गमूल/7 हो गई एक परिमेय संख्या। तो सारी की सारी संख्याओं को हमने अलग अलग संख्या समूह में रख दिया। Thank you.
गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं पुष्पा झा, विज्ञान शिक्षिका, आज आपके समक्ष धातु एवं अधातु अध्याय 3, दशम वर्ग का अध्याय 3, धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ाने जा रही हूँ। आपको पता होगा कि अर्ली सिविलाइजेशन से ही हमें धातुओं के बारे में जानकारी रख करने की बहुत ही उत्सुकता थी, और इसका एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिल्ली में कुतुब मीनार के बगल में एक आयरन पिलर है जो ईसा पूर्व 400 वर्ष बनाया गया था, और जिस पर एक मैग्नेटाइट Fe3O4 एक लवण का लेपन कर कर के उसको जंग रोधी बनाया गया, उस पर जंग नहीं लगता है। और ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है जो कि बताता है कि हम लोग अपने सिविलाइजेशन में शुरू से ही सारे धातुओं के बारे में जानने का, खोजने का काम किए हैं, आभूषण वगैरह बनाए हैं। आप म्यूज़ियम जाएंगे तो आप देखेंगे तरह तरह की चीज़ें, और आप हिस्ट्री की किताब में लौह युग, ताम्र युग ये सब के बारे में पढ़ते ही होंगे। तो आज हम अपने रसायन विज्ञान के विषय में पढ़ेंगे धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, मेटल्स और एंड नॉन मेटल्स, अध्याय 3 है ये आपका। आज नया चैप्टर हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग धातुओं के बारे में सर्वप्रथम कुछ जानकारी हासिल करेंगे। आप लोग अपने शिक्षक की सहायता से क्लासरूम में भी थोड़ा सा प्रेक्षण करेंगे और आप लोग देखेंगे। ऐसे आप लोग के घरों में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप खुद से जमा करके और आप उसको अपना प्रेक्षण कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, कोई खास नहीं है। तो आप लोग देखें कि धातु के भौतिक गुण, वो अपीयरेंस या और भी कुछ करते हैं, जैसे स्कूल में घंटी बजाते हैं तो कैसे, किस चीज़ पर घंटी बजती है आप लोग देखे हैं, जरूर देखे होंगे, रोज़ देखे होंगे, स्कूल में जाते हैं तो देखते हैं कि वो लोहे का है और उसमें एक टन टन की आवाज़ आती है। तो धातुओं में एक सुनहरा साउंड है, क्या है, एक ध्वनि है। तो इस तरह से सॉलिड है, वो तोड़ा नहीं जा सकता। ये सब चीज़ें आप लोग ज़रूर जानते हैं। तो आज हम लोग डिटेल में जो धातु के भौतिक गुण हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप देखेंगे धातु के भौतिक गुण, सबसे पहले धात्विक चमक। आपको मालूम है कि आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये सबको जब आप रगड़ते हैं, रगड़ रगड़ के रेगमाल से साफ करते हैं तो वह चमकने लगता है। तो धातुओं में एक अपना चमक होता है, धात्विक चमक होता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कठोरता। सभी धातु की कठोर होते हैं लेकिन उनकी कठोरता अलग अलग होती है, कोई बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, कोई थोड़ा कम। जिसमें एक अपवाद है सोडियम। सोडियम को तो आराम से आप चाकू से काट सकते हैं, रबर जैसे इरेजर आप मिटाते हैं ना, उसी टाइप का ये होता है। तो ये इतना ही इसका कठोरता है। तीसरा पॉइंट है आघात वर्ध्यता। आप जानते हैं कि धातुओं को पीट पीट कर आभूषण बनाया जाता है, ये हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं, सबके घरों में कुछ ना कुछ आभूषण रहता है। तो सोना और चांदी में सबसे अधिक वो पीट पीट कर उसका तरह तरह का रूप बनाया जा सकता है, और ये हम लोग सब देखे हैं। लोहे का बड़ा बड़ा चदरा, एल्युमिनियम का बड़ा बड़ा चदरा बनाया जाता है, जो शिप वगैरह बनते हैं आप लोग देखे हैं, सब में जो उसका पूरा शेप है वह मेटल से पीट पीट करके ही बनाया गया है। तो धातुओं में आघात वर्ध्यता, यानी कि आघात करके पीट करके हम लोग उसको बहुत चौड़ा चौड़ा बना सकते हैं और उसका डिफरेंट काम कर सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मैलियबिलिटी। तो सोना और चांदी में सबसे अधिक मैलियबिलिटी है। आप लोग चांदी का वरक ये सब मिठाई में लगा हुआ ये सब आप लोग देखे होंगे। चौथा पॉइंट है तन्यता, यह तार खींचना,
लंबा लंबा तार की खींचा जाता है, एल्युमिनियम कॉपर का तार, तो आप लोग देखते हैं कि विद्युत का जितना भी हम लोग के घर में वायरिंग क्या हुआ है सब में वही रहता है। सबसे अधिक जो है तन्यता वह सोना जो है वो दिखाता है, गोल्ड। वो अगर आप कुछ ग्राम लेंगे तो उसका 2 किलोमीटर तक तार खींचा जा सकता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि तार खींचना, लंबा लंबा तार खींचना और उससे अलग अलग कार्य करना, ये डक्टिलिटी, इसे क्या कहते हैं हम लोग, डक्टिलिटी, और ये तन्यता है। इसके बाद है ऊष्मा का सुचालक। हम लोग घर में सब बर्तन यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि हमारे घर में ही सब सामान है, आप उसका परीक्षण कर सकते हैं। तो हम लोग लकड़ी का भी यूज़ करते हैं कढ़ाई में, तो उसे हमारा हाथ नहीं जलता है, लेकिन अगर हमारा लोहे का कलछुल है तो हमको अगर ज़्यादा देर कढ़ाई में रह गया तो इतना गर्म हो जाता है कि आपका हाथ जल जाएगा तो एकदम से। तो इससे हम समझते हैं कि ये जो हमारा बर्तन सब है, चूँकि हमको आग पर रख कर काम करना है तो वो सुचालक होगा, तो जल्दी जल्दी उसमें काम होगा। तो ये हीट का, ऊष्मा का ये गुड कंडक्टर है, सुचालक मतलब गुड कंडक्टर। तुरंत हम आपका दूसरा पोर्शन जो है, छलनी जैसे लिए, कलछुल लिए, तो उसका तुरंत देखिएगा कि उसका लास्ट पार्ट, जबकि पूरा तो नहीं डाला लेकिन वो एकदम से हीटेड हो गया। इसका सबसे अधिक कौन सा है, तो ये है सिल्वर और कॉपर, ये सबसे अधिक ऊष्मा का सुचालक है। इसी में हम लोग देखते हैं कि ये लेड और HG यानी मर्करी, ये सबसे कम सुचालक है। इसकी दर होती है जो सबसे अधिक सबसे कम, इस तरह से हम लोग देखते हैं। फिर यह विद्युत की चालकता, सबके घरों में वायरिंग किया हुआ रहता है और हम लोग उसको खोल करके देख भी सकते हैं कि कॉपर का पतला पतला तार उसके अंदर डाला हुआ है, ऊपर से उस पर एक PVC पाइप डाला रहता है। इस ये क्यों, क्योंकि अगर हम वैसा नंगा तार छू देंगे तो हम करंट लग जाएगा और हम तुरंत मर जाएंगे। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इसके लिए बहुत ही सावधानी रखने का है। तो सभी तार पर एक PVC का जो पॉलीविनाइल क्लोराइड एक प्लास्टिक है जो उस पर प्रोटेक्शन के लिए सब पर लगाया रहता है, उसको छील छील कर हम लोग भीतर का तार को निकालते हैं और तब हम लोग उसको जोड़ते हैं किसी दूसरे संयंत्र से। और ये लास्ट जो है ध्वनि, ये सोनरा साउंड, ये सभी जो है वो धातुएं, सोनरा साउंड यानी गिराने से टन या किसी तरह की आवाज़ आएगी जो आपको बताती है कि ये सभी धातु है। धातु सब ज़्यादा मात्रा में है, आप पीरियोडिक टेबल आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अधिक से अधिक धातु ही हैं। और ये धातु सॉलिड रूप में होते हैं, ये क्या होते हैं, सॉलिड रूप में होते हैं। केवल मरकरी जो है पारा, वह रूम तापमान पर जो है वो लिक्विड सॉलिड इस अवस्था में रहता है। तो ये सारे मुख्य भौतिक गुण है, इसका हम प्रेक्षण अधातुओं के बारे में भी करेंगे। अब अधातु जो है वह आप देखेंगे आवर्त सारणी, तो उसमें दाहिने तरफ पी ब्लॉक में सब अवस्थित है, आगे आप पढ़ेंगे आप देखेंगे इसको, तो उसमें बहुत कम ही है अधातु जिसमें कि ठोस रूप में आपका कार्बन, सल्फर और आयोडीन है, और ब्रोमीन जो है वो द्रव है, ब्रोमीन वाटर उसे हम लोग कहते हैं, और बाकी सारे गैस है। मैंने केवल 2 गैस का नाम लिखा, ऐसे H2O2, N2, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोम, ये फ्लोरीन क्लोरीन है, फिर सारे नोबल गैसेस हैं, तो कई सारे गैसेस हैं। या बस उसमें जो हैलोजन फैमिली है उसमें आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा है अंतर, जैसे जैसे हम लोग जाते हैं तो शुरू में देखते हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन गैस है और ब्रोमीन जो है वो वाटर है, और बाद में आता है आयोडीन तो वो सॉलिड अवस्था में रहता है। तो इस तरह से हम लोग एक फैमिली में भी ये ऐसा हम लोग अंतर देखते हैं, जो जो हम नीचे जाते रहते हैं आवर्त सारिणी में ग्रुप में, तो हमको ऐसा दिखाई पड़ता है, ये सब आप आगे देखेंगे। कार्बन जो है यह सबसे प्रमुख है आज की दुनिया को हम लोग कह सकते हैं, इससे 30 मिलियन तक यौगिक बनाए जा चुके हैं जिससे आज हमारी ये मॉडर्न
जो हमारी सभ्यता है वो उस पर टिकी हुई है। तो कार्बन के बारे में तो आपको अलग से ही एक चैप्टर पढ़ना है। तो ये सब अवस्थाएं हैं जिसमें हम देखते हैं कि ये तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस भी है, यहाँ द्रव है ब्रोमीन, और गैसेस हैं। दो गैस का मैंने नाम लिखा है आपके लिए। अब है कि हम इसका कंपैरिजन देखेंगे। कंपैरिजन इस गुणों के आधार पर हम कंपैरिजन थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि मरकरी को छोड़कर सभी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु हैं जैसे गैलियम और सीजियम, ये ऐसे धातु हैं जिन्हें आप हथेली पर लेंगे तो ही वो पिघल जाएंगे, गल जाएंगे। तो ये सब थोड़ा थोड़ा जो अपवाद स्वरूप कुछ कुछ है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। फिर दूसरा पॉइंट है आयोडीन। अभी मैंने बताया कि वो हैलोजन फैमिली का ये ठोस रूप है। अब आयोडीन, आयोडीन अधातु होते हुए भी बहुत ही चमकीला होता है। तो अब यहाँ धात्विक चमक वाली बात है, तो ये अधातु में भी पाया जाता है। थर्ड पॉइंट देखें आप, कार्बन के बारे में मैंने अभी कहा कि इसे सबसे ज़्यादा यौगिक आज बनाया गया। आज सारी हमारी जो टेक्नोलॉजी है इसमें कार्बन का बहुत बड़ा योगदान है। कार्बन ये ऐसा धातु है, अधातु है, जिसके रूप प्रकृति में विभिन्न रूप। अब एक जो ऐसा तत्व है जिसके विभिन्न रूप प्राकृतिक रूप से प्रकृति में मिलते हैं, इस घटना को, इस फेनोमेना को हम एलेट्रॉपी कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। अपरूपता मीन्स विभिन्न रूप में विद्यमान। जैसे हीरा एक सॉलिड है, सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, यह कार्बन का ही अपरूप है। और इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। और कार्बन का एक अन्य अपरूप है ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। ये बहुत ही सॉफ्ट है, जबकि ये बहुत ही कठोर था हीरा। और ये पेंसिल में, आप लोग जो अपने पेंसिल यूज़ करते हैं, डायग्राम सब बनाते हैं, तो पेंसिल में जो है नोक आपका, वो ग्रेफाइट है। तो ये इतना ही कॉमन है, आप लोग सबके पास पेंसिल तो जरूरी होगा। अब है ये चौथा पॉइंट देखिए, क्षारीय धातु। कुछ आपको बताया गया है कि कुछ धातु बहुत ज़्यादा ही क्षारीय होते हैं। जब पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी आप पढ़ेंगे तब देखेंगे लाइट अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 1A और 2A में, तो उस समय शुरू वाला जो है फर्स्ट लिथियम सोडियम पोटाशियम, ये सब बहुत मुलायम होता है, बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, और इसे हम चाकू से आराम से काट सकते हैं। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। भौतिक गुणों को प्रेक्षण करने के बाद हम लोगों ने पाया कि धातु और अधातु को स्पष्टतया अलग करने के लिए भौतिक गुण काफ़ी नहीं है। जब तक हम लोग रासायनिक गुणों को कंपेयर नहीं करेंगे तब तक सही सही अधातु और धातु में अंतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि कुछ अपवाद है, कुछ उसमें भी है, कुछ इसमें भी है। तो इस तरह की जो बातें हैं ये भौतिक गुणों में दिखाई पड़ता है। तो इसे स्पष्टतया देखने के लिए हम रासायनिक गुणों की का अध्ययन करेंगे, और तभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि धातु अधातु के जो भौतिक गुण है उसमें कई सारे अपवाद हैं, और कुछ न कुछ समानता या विभिन्नता है जिससे स्पष्टतया इनको अंतर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमें रासायनिक गुणों का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम स्पष्टतया धातु और अधातु का अंतर समझ पाएंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे धातु का वायु में दहन। दहन क्रिया ऑक्सीजन की सहायता से होती है, तो हम एक जनरल समीकरण लिखेंगे, धातु प्लस ऑक्सीजन बराबर धातु ऑक्साइड। इसका प्रेक्षण आप करेंगे अपने प्रयोगशाला में शिक्षक की मदद से, तो मैग्नीशियम रिबन लेकर ऑक्सीजन में जलाएंगे, दहन करेंगे एक टेस्ट लेकर के, तो आप देखेंगे बहुत तेज़ी से रोशनी के साथ जलता है और जल्दी से वो ऑक्साइड बना देता है।
यहाँ मैंने दो समीकरण आपके लिए और भी लिखा है, वो है कॉपर का ऑक्सीजन में दहन, ये कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। दूसरा है एल्युमिनियम का ऑक्सीजन में दहन, ये Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये धातु के सारे ऑक्साइड्स हैं जो बहुत ही जल्दी जल्दी बना देते हैं या कोई कम टाइम ज़्यादा टाइम लेते हैं, जैसे कि सोडियम पोटाशियम वगैरह जो है वह बहुत तेज से रिएक्शन करते हैं और कुछ विस्फोट होने की भी संभावना हो सकती है। बाकी सारे जो हैं वह ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे कि आयरन है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये सब, ये इनका काम होता है कि यह जल करके ऑक्साइड्स में तुरंत परिणत हो जाते हैं। आप देखेंगे कि धातुओं पर एक ऑक्सीजन का या ऑक्साइड का एक परत रहता है, वो परत जो है वह उसे क्षरण होने से बचाते रहता है। तो ये संक्षरण ना हो और अधिक ऑक्सीकरण ना हो, इसके लिए इनको एक यशद लेपन किया जाता है, जो एनोडाइजिंग करते हैं वो हम बाद में सीखेंगे। कुछ का कलर बदल जाता है, जैसे कि काला हो गया, इस तरह से कुछ चेंजेस भी होता है, ये आप लोग देखेंगे आगे। अब है कि सोना और चांदी को कितना भी आप जलाएंगे तो वो नहीं, उसमें कोई परिवर्तन होता है। तो इस तरह से आप जब सोडियम पोटाशियम से लेकर मिडिल लेवल के आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब लेकर और बाद में कॉपर और फिर सोना चांदी लेकर आप ये वेरियस एक्सपेरिमेंट्स करके आप इसका रीडिंग निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि सोडियम पोटाशियम में तो विस्फोट जैसी हालत हुई, इसीलिए उसे किरासन तेल में रखा जाता है और बाद में वो रेडिली ऑक्साइड्स बना रहे हैं, और जो धीमे धीमे बनाते हैं जैसे कॉपर के ऑक्साइड्स और बाद में सोना चांदी जो है वह तो बिल्कुल ही उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति, या हम लोग जब पढ़ रहे थे पिछला चैप्टर तो उसमें हम लोगों ने क्षार, अम्ल और लवण में हम लोगों ने देखा था कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और जो जल में घुल जाते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो जल में घुलकर क्षार देते हैं एल्कली। तो जितने धात्विक ऑक्साइड हैं वो जल में घुले या ना घुले उनकी प्रकृति क्षारीय होती है, और जो घुलते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं, जैसे NaOH, KOH, ये सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्षार कहलाता है। बाद में जो बहुत सारे नहीं भी घुलते हैं लेकिन उनकी प्रकृति क्षारीय ही रहती है, उन्हें हम भस्म कहते हैं। कुछ धात्विक ऑक्साइड उभयधर्मी यानी कि एम्फोटेरिक, इसे अंग्रेजी में कहते हैं एम्फोटेरिक, यानी यह अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकता है। तो ये एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड्स हैं यह हैं, जैसे एग्जांपल्स है PbO, ZnO, Al2O3, ये दोनों तरह से अभिक्रिया देते हैं। यहाँ मैं Al2O3 के साथ आपको समीकरण एक लिखी हूँ, अम्ल HCl, HCl के साथ आपको मालूम है एल्यूमिनियम क्लोराइड लवण बनाया और जल बनाया। आपको मालूम है कि कोई भी जो ऑक्साइड्स हैं वह अम्ल के साथ लवण और जल देंगे, उसी तरह से कोई भी ऐसा भी हो सकता है ऑक्साइड जो क्षार के साथ भी लवण और जल दें। तो ये Al2O3 जो है ये दोनों तरह से कार्य कर रहा है, यहाँ NaOH के साथ यह सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है, और तो आप देख रहे हैं कि HCl और NaOH दोनों पर यह अभिक्रिया कर सकता है। इसे इस तरह के ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। धातुओं की जल से अभिक्रिया यह अब हम लोग देखने जा रहे हैं यह किस प्रकार से होती है। एक जनरल समीकरण आप लिखें कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं, और ये धातु ऑक्साइड जल के साथ मिलकर धातु हाइड्रोक्साइड
बनाते हैं, या आप पहले भी देख चुके हैं, दोबारा हमने ये आपके लिए लिखा है। ये जनरल समीकरण है। अब इसको हम लोग देखेंगे अलग अलग प्रकार से। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि सोडियम पोटाशियम जो है वह बहुत तेज अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के भी उपस्थिति हो या वाटर की भी उपस्थिति हो तो विगरसली यह रिएक्शन देता है। तो ठंडे जल में ही ये अत्यधिक तेज अभिक्रिया देकर यह क्षार बना देता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसमें काफ़ी मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यह समीकरण जो है ये आप देख रहे हैं, पोटाशियम के साथ मैंने किया है, 2K+H2O = 2KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन और बहुत सारा ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी, या एक विस्फोटक अभिक्रिया हो सकती है। और इसलिए हम हमेशा सोडियम और पोटाशियम को किरासन वॉयल में रखते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं कि ये ठंडे जल में ही यह अभिक्रिया भी होती है काफ़ी विगरसली, लेकिन इसकी अपेक्षा थोड़ी धीमी होती है। जो चूना है, कैल्शियम है, वह अगर वाटर में हम मिलाएंगे तो विगरसली फदफदाहट की आवाज़ होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जो भकड़ा चूना भी कहते हैं जिसको, और इसमें हाइड्रोजन गैस इसमें भी निकलती है और ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन इसकी अपेक्षा, पहले जो समीकरण मैंने लिखा उसकी अपेक्षा कैल्शियम के साथ थोड़ी धीमी गति से यह अभिक्रिया होती है। फिर भी इसमें ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन विस्फोटक नहीं है ये। उसके बाद हम लोग आते हैं गर्म जल में। जब अगर पानी को खौला दिए तब क्या होगा, तो पानी गर्म है तो हीट करेंगे हम लोग, तो इससे हमें मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया हमने गर्म जल पर किया है और हमने देखा है कि यहाँ हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति हुई, यानी हर में आप देख रहे हैं कि आपको अल्कली क्षार की प्राप्ति हो रही है और हाइड्रोजन गैस इसमें निकल रहा है। इसमें हमने गर्म किया है तो बाएं तरफ से ही कह सकते हैं कि हमने ऊष्मा दी है, तो इसलिए इसमें दाहिने तरफ जो है कोई ऐसी ऊर्जा नहीं निकलती दिखाई पड़ रही है। इसके बाद है भाप के साथ। कुछ ऐसे जो कम अभिक्रियाशील जो तत्व हैं कंपैरेटिवली मेटल्स, तो उनको हीट से भी ज़्यादा उनको भाप स्टीम करना पड़ता है। जो हम स्टीम करते हैं तब हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम 3H2O लिया हमने, 2Al+3H2O स्टीम दिया, भाप दिया, तो 2Al2O3 हमें प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन गैस 3H2 हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद ये देखें, आयरन जो है वह 4H2O स्टीम भाप के साथ Fe3O4+4H2 होता है, यानी इन सब का जनरल अगर हम वाटर में डालेंगे तो कोई भी अभिक्रिया नहीं दिखाई पड़ेगी। ये हमेशा स्टीम के साथ, भाप के साथ ही ये ऑक्साइड्स का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होता है। तो आप इसके कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि सभी में आपने देखा कि हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति इसमें हो रही है। तो ये हमारा है धातुओं की जल से अभिक्रिया, और इसमें हम लोगों ने देखा ठंडे जल में बहुत तेज था पोटाशियम के साथ, सोडियम के साथ, इसलिए इसे हमेशा किरोसिन वॉयल में रखना पड़ता है कि इसे ऑक्सीजन और वाटर, जल से, नमी से कोई इसका कांटेक्ट ना होने पाए। और फिर थोड़ी धीमी, ये आप जो पान लगाने वाले होते हैं, जो चूना लगाते हैं, तो वहाँ आप देखेंगे कि वो चूना को एक रखते हैं बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, और एक लकड़ी उसमें लगा कर रखते हैं और उसी की सहायता से वो पान को बनाते हैं। तो यह भी एक बहुत ही कॉमन उदाहरण है आप लोग के लिए, आप लोग इसको ज़रूर ही देखे होंगे। फिर है कि गर्म जल डाला हमने, इन दोनों में आपने देखा कि ऊष्मीय ऊर्जा काफ़ी प्राप्त हुई, और यहाँ चूँकि मैंने हीट दिया हुआ है तो ये गर्म जल में ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है और H2 हाइड्रोजन की प्राप्ति हुई है। और लास्ट वाला आपने देखा भाप के साथ, ये नॉर्मल साधारण पानी वगैरह में इनका रिएक्शन कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर हम भाप देंगे
तब ये ऑक्साइड और हाइड्रोजन में परिणत हो जाएगा। अब ये थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं, धातुओं की अम्ल के साथ क्या अभिक्रिया होती है। तो धातु जो है वो डाइल्यूट जो एसिड्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड और या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे कहते हैं या सल्फ्यूरिक अम्ल, ये डाइल्यूट के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये हमारा लैबोरेटरी प्रोसेस है। अगर हमें हाइड्रोजन गैस प्रयोगशाला में बनाना है तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम ले लेंगे या जिंक ले लेंगे और उस पर ड्रॉप ड्रॉप HCl या H2SO4 जो भी आप चाहे लेकर के बूंद बूंद डालेंगे, बहुत तेज से गैस निकलेगी, उसे डिलीवरी ट्यूब लगा करके आप उस गैस को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है और ये लैबोरेटरी प्रोसेस भी है हाइड्रोजन गैस बनाने का। इसके बाद हम आते हैं HNO3। मैंने दो के बारे में बताया, हाइड्रोजन क्लोराइड और H2SO4 डाइल्यूट के बारे में, इनका रिएक्शन काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन HNO3 ये एक तीसरा हमारा एसिड है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये प्रबल ऑक्सीकारक है और प्रबल ऑक्सीकारक होने के साथ यह हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाता है बल्कि यह उसे जल में परिवर्तित कर देता है और स्वयं, क्योंकि उसमें NO3 है आप देख रहे हैं HNO3, तो ये NO3 के अनेक सारे ऑक्साइड्स होते हैं वह उसमें अपचयित हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये N2O, NO, NO2 इस सब में स्वयं अपचयित हो जाता है। तो इस तरह से इसके द्वारा HNO3 के द्वारा आप गैस हाइड्रोजन गैस नहीं बना सकते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि लैबोरेटरी में बनाना है हमें हाइड्रोजन गैस, तो हम या तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, इधर मैग्नीशियम जिंक वगैरह लेकर तुरंत फट से हम हाइड्रोजन गैस निकाल लेते हैं और HNO3 का उपयोग नहीं करेंगे। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि मैग्नीशियम और मैंगनीज ये सब थोड़ा बहुत HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ हल्का गैस उत्पन्न कर सकती है। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन की ये दर कैसी है। जैसे मैग्नीशियम बहुत तेज है, उससे कम है एल्यूमिनियम, उससे कम है जिंक और उससे काफ़ी कम है आयरन। तो ये इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज भी इसे आप बोल सकते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कॉपर जो है वो, अब कॉपर उसके और नीचे आ गया, तो कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बिल्कुल ही अभिक्रिया नहीं करती है, यह नोबल मेटल के अंदर आता है, उत्कृष्ट मेटल। आप कहिएगा कि उत्कृष्ट, सोना को भी तो गलाया जाता है तब गहना सब बनाते हैं, कैसे ये सब करते हैं। तो यहाँ है अक्वा रेजिया, ये एक बहुत ही राज अम्ल जैसा इसको माना जाता है। इसमें 3:1 के अनुपात में कॉन्क सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र HNO3 रहता है और इसकी ये ताकत है कि यह गोल्ड और प्लैटिनम को भी गलाने में समर्थ है। तो जितने उत्कृष्ट हमारे धातु हैं उनको अगर गलाना है, उनसे कोई कार्य अलग करना है, तो हमें अक्वा रेजिया का प्रयोग करना पड़ता है। आप देख ही रहे हैं 3:1 के अनुपात में कॉन्क HCl और कॉन्क HNO3 है कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये बहुत ही खतरनाक है, इसका उपयोग बहुत ही सावधानी से किया जाता है। अब चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि अन्य धातु लवण, धातु लवण के विलयन में अगर हम दूसरे धातु को डालेंगे तो क्या अभिक्रिया होगी। आपने रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर में पढ़ा था प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ उस समय भी मैंने आपके लिए सक्रियता श्रेणी बनाया था, फिर से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ एक जनरल समीकरण आप लिखेंगे कि एक धातु आपने लिया, धातु ए, और बी धातु का विलयन लिया और उसे जब आप बहुत देर तक रखेंगे तो आप देखेंगे कि यह ए का लवण विलयन बन गया है और धातु बी जो है वह इसमें प्रतिस्थापित हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, अब ये एक समीकरण आप देखें, यहाँ ये आयरन है, लोहा का कील एक लेंगे, अभी हम एक्सपेरिमेंट भी आपको सिखाएंगे, और यह CuSO4 कॉपर सल्फेट एक लवण है। ये कैसा लवण है, ये कॉपर का लवण है, किसका लवण है, कॉपर का लवण है।
नीला, बहुत ही सुंदर नीला इसका कलर होता है, और इसमें मैंने वो काला जो कील है लोहे का वो डाल दिया। डाल देंगे, थोड़ा देर आप रखेंगे, उसको हिलाते रहेंगे तो देखेंगे कि ब्लू कलर जो इतना सुंदर ब्लू था, इसे प्रूसियन ब्लू बोला जाता है। आप जब लैबोरेटरी में आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अब इसमें आप देखेंगे सबका नाम है। तो ये है ब्लू और ये FeSO4 में बदल जा रहा है, और इसका कलर जो है वो हरा, जैसे समुंदर के रंग में नीला हरा आते रहता है पानी, उस टाइप का ये चेंज हो रहा है। और ये काला जो कील था ये अब भूरा हो गया है। ये सब एक्सपेरिमेंट बहुत ही आसान है, इसमें कोई ख़तरा भी नहीं है। ये आप आराम से अपने क्लासरूम में भी और लैबोरेटरी में भी कर सकते हैं, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए फेनोमेना क्या हुई, इसके अंदर घटना क्या घटी? घटना ये घटी कि आयरन जो है वह कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा तेज है, तो वो उसका जगह ले लेगा। और उसने धीरे धीरे ये आयरन कॉपर को हटा दिया और ये कॉपर यहाँ आ गया, और कलर जो है वो कील का अब वो भूरा कलर का हो गया। तो इस आधार पर जो ज़्यादा एक्टिव मेटल्स हैं वो कम एक्टिव मेटल्स के लवण को में से उस धातु को हटाकर अपना स्थान ले लेते हैं, इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये सक्रियता श्रेणी आपको सीखना होगा, आगे इसका बहुत काम होगा। तो इसमें आप देखें पोटाशियम और सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील, और कैल्शियम भी जैसा मैंने अभी बताया था आपको, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, यहाँ तक ये घट रही है अभिक्रियाशीलता, धीरे धीरे यूँ घटती जा रही है, और लेड पर आकर बहुत ही कम हो गई। इसके बाद एक बड़ी अजीब बात है कि इसमें हाइड्रोजन है। आप पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे आवर्त सारणी तब देखेंगे कि हाइड्रोजन का स्थान जो है वो ज़्यादातर मेटल के ही साथ माना गया है। तो यह मेटल के जैसा ही यह एक इलेक्ट्रॉन रेडिली दे देता है, जिससे यह धात्विक ही इसकी प्रकृति मानी जाती है, और इसलिए यह इसी के श्रेणी में आता है। और हाइड्रोजन के बाद जो हैं कॉपर, सिल्वर, सॉरी मर्करी, सिल्वर और गोल्ड, और इसके नीचे आप और लिख सकते हैं प्लैटिनम, ये सब उत्कृष्ट धातुएं, बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही इनका प्राकृतिक रूप से ये प्राप्त होते हैं ज़्यादातर प्रकृति में, और इनका रिएक्शंस बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसे उत्कृष्ट धातु भी कहते हैं। सारा गहना बनाया जाता है, आप देख रहे हैं सोना चांदी ये सब, और सोना प्योर जो होता है वो 24 करेट होता है, तो वो उससे गहना नहीं बनाया जा सकता, ऑर्नामेंट्स। तो थोड़ा सा कॉपर और अर्जेंटम जो चांदी है वो मिलाया जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये कितनी महंगी चीज़ें हैं, ये उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं, और ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। ये प्राकृतिक रूप से ही पाए जाते हैं, ये किसी कंपाउंड रूप में ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। सोना तो बिल्कुल ही प्राकृतिक रूप में ही पाया जाता है, तो ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। आइए अब हम इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके लिए मैं तैयार करके रखी हूँ। यहाँ देखिए, ये हमारा परखनली स्टैंड है, इसमें मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया है, और उसमें धागा से एक लोहा को पिन को डाल दिए हैं। धीरे धीरे आप इसको करके बैठ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि यह कलर हरा जैसा हो गया है, और इसके अंदर जो कील था वो अभी भूरा दिखने लगा है। ये धीमी धीमी आपका पूरा जो कील है वो एकदम ब्राउन हो जाएगा। यह एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपके लिए यहाँ भी तैयार की हूँ, आप इसको अभी देखेंगे। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मैंने बनाया है, अब मैं इसमें एक कील डालने जा रही हूँ। अब ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मैंने एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेकर इसमें मैं एक कील रख दी हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि धीरे धीरे सॉल्यूशन का रंग हरा की ओर जा रहा है, और वो कील का भी रंग हल्का हल्का बदल रहा है। ये दो कील है, इसको मैंने कुछ देर पहले ही आपको दिखाने के लिए
सॉल्यूशन में डालकर रखा हुआ था, अब उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि कैसे इसका कलर चेंज हो रहा है, यह लाल भूरे रंग का होता जा रहा है। तो हम लोग आज मेटल नॉन मेटल्स, धातु अधातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में कुछ पढ़ा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी देखा। और आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि घर में आप कुछ कुछ सॉलिड जो धातु सब सबके घर में कुछ कुछ मिलता है, उन सबको लेकर कुछ प्रेक्षण करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे और इससे आप अपना कंक्लूज़न ड्रॉ करेंगे। और ऐसी उम्मीद के साथ मैं फिर आपको आगे इस चैप्टर का, ये तो आरंभ था, आगे मैं आपको आयनिक जो बंधन है जिस पर एक्चुअली हम लोग धातु अधातु को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, यह मैं आपको बताऊंगी। तो अभी के लिए आप लोग का बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ढंग से इसको देखेंगे और सही से समझेंगे और अपने टीचर की भी सहायता से इसको करेंगे। थैंक यू। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।